साथियों दोस्तों, आज का वीडियो पूरा दोस्तों हाइट मेजरमेंट पे है। कभी आपका सपना है भारतीय सेना में जाने का तो दोस्तों ये वीडियो पूरा देखो। आज हम इस वीडियो के माध्यम से पूरा डीप में बताएंगे कि आपकी हाइट कितना होना चाहिए कौन से ट्रेड के लिए, और कभी आपकी हाइट कम है तो वहां पर किस एंगल पर आपको खड़ना है, कौन कौन से सावधानी आपको बरतना है। जी हाँ दोस्तों, मैं विश्वास और आस्था दिलाता हूँ, जिस भाई ने इस वीडियो को पूरा फॉलो कर लिया, जी हाँ दोस्तों मैं विश्वास दिलाता हूँ, बंदे को पूरी तरीके से समझ में आ जाएगा कि मेरी हाइट इतनी है, मैं कौन से ट्रेड में फॉर्म फिल करूं। क्योंकि हाइट कम होने के बावजूद बंदे कभी कभी जीडी में फॉर्म फिल कर देते हैं और हाइट मेजरमेंट से बाहर हो जाते हैं। आप सभी लोग जानते हैं दोस्तों, साल भर की मेहनत में पानी फिर जाता है, या किसी एकेडमी में दाखिला ले रहे हैं, यहाँ तो बहुत कम फीस है, बड़ी बड़ी बहुत बड़ी बड़ी एकेडमी है, और वहां पे दोस्तों इतना रुपया लग जाता है। एक गरीब का बेटा, एक किसान का बेटा, एक मजदूर का बेटा, एक ठेला चलाने वाले का बेटा, पानीपुरी बेचने वाले का बेटा ही फौज में जाता है दोस्तों। कोई बड़े बाप की औलाद नहीं जाती दोस्तों, और कोई राजनेता का बेटा फौज में नहीं जाता साथियों। वो साल भर की मेहनत तो पानी फिर जाओ, आप अपने दिल पर हाथ रख के पीछो। तो आज का वीडियो आप लोगों के लिए बहुत ही ज्यादा जरूरी है। और साथियों, मैं हूं जितेंद्र सिंह पेरवाल, आपके अपने YouTube चैनल इंदौर फिजिकल एकेडमी से, और इतना ज्यादा प्यार देने के लिए आपको दिल की गहराई से बहुत बहुत धन्यवाद। और दोस्तों, आज अपने 7 मिलियन सब्सक्राइबर कंप्लीट हो गए, जिसकी वजह आप सभी को आपको बहुत बहुत धन्यवाद। दोस्तों, हाइट मेजरमेंट करवाते समय मेरी बात को ध्यान रखना, दोनों पैर को आपस आगे आइए, दोनों पैर को आपस में मिलाना है, मिलाइए। साथी देख लीजिए, तारा पास लेकर आओ कैमरे को, तारा पूरा व्यवस्थित तरीके से, लोग बहुत विश्वास करते हैं। दोनों पैर को आपस में इसे मिलाना है, और मिलाने के बाद में यहां से फुल बॉडी स्ट्रेच करना है, पूरा स्ट्रेच सामने, और यहां सामने देख रहा है साथी, कभी इस तरह वहां पर हाइट मेजरमेंट करवा रहे हैं। जी हाँ दोस्तों, विश्वास दिलाता हूं, कभी आपकी हाइट 170 सेंटीमीटर है तो वहां पर आप क्या हो जाएंगे बेटा, क्वालिफाई हो जाएंगे। और कभी आपकी हाइट 170 से कम है और आप बोल रहे हैं कि हो जाएगा, तो मैं बोल रहा हूं दोस्तों, ये इम्पॉसिबल। क्योंकि इंडियन आर्मी में हाइट मेजरमेंट दोस्तों एकदम स्ट्रेच कर वो जितना ज्यादा हो जाए उतनी ज्यादा लेते हैं, क्योंकि इंडियन आर्मी में स्ट्रॉन्ग बंदे चाहिए, छोटे बच्चे नहीं चाहिए। सत्य ध्यान दीजिए, कहाँ के रहने वाले आप? यूपी। यूपी में कहाँ से? ईटा। चलो को लव यू, गॉड ब्लेस यू। आपस मिलाइए, नॉर्मल गो, लव यू, गॉड ब्लेस यू। कहाँ के रहने वाले? यूपी गोरखपुर। गोरखपुर यूपी, चलो गो, लव यू। आगे आइए, आगे आइए, दोनों पैर आपस मिलाइए, विशेष पूरा ऊपर नहीं देखना है दोस्तों। हाइट मेजरमेंट करवाते समय आपको सामने देखना है, कहाँ देखना है? सामने। ऊपर नहीं देखना तो हाइट कम हो जाएगी। आगे जाइए दोस्तों, बराबर गो। तारा ऐसे करके पास में लेकर आया करो, इतना बताओ फिर, है ना? ये तारा पास लेकर आओ कैमरे को, यहाँ बताओ इतना, दोस्तों देख लीजिए आप, ये गो। दोनों पैर आपस में लाइए, आपस में लाए दोनों पैर, आगे जाइए, आगे आइए, बाहर ले, नहीं हो पाएगा हाइट कम आपकी, बाहर बिल्कुल बाहर, नहीं सॉरी बेटा, बेटा नहीं हो पाएगा, समझ में नहीं आती क्या एक बार में, क्योंकि मैं एडजस्ट कर सकता हूँ लेकिन फौजी भाई कभी भी एडजस्ट नहीं कर सकता। अरे भैया मेरी बात सुनो, मैं कर लूंगा, क्या फौजी भाई कर सकते हैं यहाँ पर? नहीं हो पाएगा, प्लीज रिक्वेस्ट, प्लीज प्लीज प्लीज, नहीं हो पाएगा। सुनो मेरी बात को, मौका वाली बात नहीं है, आज मैं यहाँ पर आपको एडजस्ट कर लूँ, और क्या फौजी भाई वहाँ पर आपको एडजस्ट कर सकते क्या? नहीं सर, क्योंकि जीडी के लिए और ये लाइन पूरी जीडी के लिए लगी और 170 सेंटीमीटर होती है, और कभी 170 से कम है। सब्जेक्ट कौन सा आपका? मैथमेटिक्स साथ में है, फिजिक्स से है, केमिस्ट्री है, तो आप टेंशन मत लो, आप टेक्निकल से फॉर्म भरो, और टेक्निकल में केवल 168 सेंटीमीटर हाइट मेजरमेंट की जाती है, करते 168 बनते ना सर, तो आप टेक्निकल से फॉर्म भरो, या टीए की तैयारी करो, ट्रेड में की तैयारी करो। आपको यहाँ पर आपने जीडी में फॉर्म फिल कर दिया, और फॉर्म फिल करने के बाद में वहां पर हाइट मेजरमेंट हुई, आपके साल भर की मेहनत तो पानी फिर जाएगा। ध्यान दो, आप टेक्निकल की तैयारी कर सकते हैं, डीए की तैयारी कर सकते हैं, ट्रेडमैन की तैयारी कर सकते हैं, ठीक है ना? लव यू, थैंक यू। नहीं हो पाएगा, नहीं हो पाएगा, नॉर्मल। कहाँ के रहने वाले आप? यूपी से। यूपी, बेटा रोना गाने से कुछ नहीं होगा, है ना?
लव यू गुड प्लेस, मेहनत करो हम आपके साथ, प्लीज रिक्वेस्ट। गेटिंग नहीं हो पाएगा आप, एक बार पीछे आओ। साथियों आप ये बंदा बोल रहा है, आप देख लीजिए, आप ये देखो, ये पूरा क्लियर कहाँ से होगा बताओ, यहाँ डिस्टेंस ही है ना, तो हल्के से कम है, हाइट कम है, तो टीए की तैयारी करो, टेक्निकल की तैयारी करो, ट्रेडमैन की तैयारी करो, क्योंकि सपना है आपका इंडियन आर्मी की वर्दी पहनने का और देश सेवा करने का, तो आप का सपना जरूर साकार। चलो नहीं हो पाएगा बेटा, प्लीज रिक्वेस्ट है, आप हाथ जोड़ना, प्लीज नहीं हो पाएगा, है ना, मैं बिल्कुल भी कुछ नहीं करता, प्लीज रिक्वेस्ट, चलो लव यू, नहीं नहीं हो पाएगा, नहीं हो पाएगा, लव यू, गॉड ब्लेस यू, लव यू। कहाँ के रहने वाले? सहरसा, बिहार सर। बिहार, सहरसा, वेरी गुड, वेरी गुड। कहाँ के रहने वाले? गाजीपुर, बनारस, सारो गो। कहाँ के रहने वाले? नहीं हो पाएगा बेटा, प्लीज रिक्वेस्ट है, चलो बाहर। कहाँ के रहने वाले? बेगूसराय, बेगूसराय, बेगूसराय। ऋषि रंजन दोस्तों, मैं सलूट करता हूँ उन खोजी भाई को, ऋषि रंजन नाम था उनका, लेफ्टिनेंट थे, और उन्होंने दोस्तों अपने प्राणों का बलिदान दे दिया, ऐसे वीर जवान को मेरा नमा को श्रद्धांजलि, और उनकी कदमों में मेरा नमन, चरण स्पर्श, अमर है और अमर हो गया। राजस्थान, चलो लव यू, गो, क्या इन, लव यू। कहाँ के रहने वाले? चलो गो, लव यू, लव यू, जल्दी रुक जाओ, दो रुपये आपस में लाइए, आप साथ ही देख लीजिए, आप पास लेकर कैमरा, नहीं हो पाएगा बेटा, नहीं हाइट कम है बेटा, कुछ भी नहीं हो पाएगा, बाहर बाहर, बिल्कुल बाहर, बिल्कुल बाहर, लव यू, है ना। कौन सा ट्रेड है आपका? जी डी, नहीं हो पाएगा। सब्जेक्ट कौन सा है? बेटा ट्रेड, टी ए की तैयारी करो, ट्रेड में तैयारी करो, गो, नहीं हो पाएगा मेरा लाल, प्लीज रिक्वेस्ट है आपसे, चलो पास में, अब क्या ऐड करो, आप यहाँ पर ऐसा कर लोगे, देखो बताइए, आप कभी यहाँ पर ऐसा कर लोगे, मैं एडजस्ट कर सकता हूँ, लेकिन क्या पूछू भाई कर सकते क्या? आप क्या खड़ा खड़ा खड़ा, दोनों भाई खड़ा, दोनों खड़ा। कौन सी कैटेगरी आपकी? एस टी, एस टी में 160 में हो जाएगा आपका, जी डी में कोई एस टी वाला खड़ा करो। दोस्तों ध्यान दीजिए, जो भाई एस टी कैटेगरी से बिलोंग करता है, तो इंडियन आर्मी जी डी के लिए 160 सेंटीमीटर में आपका हो जाएगा, मतलब 2 सेंटीमीटर में बड़ी होनी चाहिए, 162 होना चाहिए, ध्यान दीजिए। और आपकी कैटेगरी कौन सी है? वो भी बिल्कुल नहीं हो पाएगा, आप ट्रेड में वो उसकी तैयारी करो, टेक्निकल क्या बेटा, प्लीज एग्जाम भी होता है, मेहनत करेंगे, है ना, रोना नहीं बेटा, है ना, लव यू, लव यू, लव यू, लव यू, चलो। तो साथियों वहां पर इस तरह हाइट मेजरमेंट होती है, और तार पास में लिखा हो, विश्वास और आशा दिलाता हूं दोस्तों, आप पूरी तरीके से समझ गए होंगे कि किस तरह वहां पर हाइट मेजरमेंट करवाना है, किन किन बातों का विशेष ध्यान देना है। थैंक यू सो मच साथियों, वीडियो कंटिन्यू अच्छा लगा तो प्लीज एक लाइक जरूर करना, वीडियो को अभी यूट्यूब चैनल को अभी सब्सक्राइब नहीं करा सब्सक्राइब जरूर करना, और कभी आपको सपने को साकार करना है तो सोच समझ कर फॉर्म फिल करना, 170 सेंटीमीटर प्लस आपकी हाइट हो तो आप जीडी में फॉर्म फिल करना, और कभी कम है तो दोस्तों आप टेक्निकल दे सकते हैं, नर्सिंग दे सकते हैं, इसके बाद में टीए दे सकते हैं, ट्रेडमैन दे सकते हैं साथियों, क्लर्क दे सकते हैं, देख सकते हैं। तो थैंक यू सो मच, जय हिंद जय भारत। कभी आपको अपना सपना साकार करना है तो आप इंदौर फिजिकल एकेडमी आइए, और आप अपनी बॉडी का 100% दीजिए, और आप दोस्तों बनिए फौजी, और नाम करिए दोस्तों देश का नाम रोशन। जय हिंद भारत माता की। नो मिनट, नो जी, जी।